रिक्वेस्ट करूंगा प्रीति सौंदरी आंटी से, प्रीति आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। प्रणाम सारे संगत, प्रणाम गुरु जी, थैंक यू गुरु जी कि आपने इस काबिल समझा है मुझे कि मैं आपके सत्संग भी कर पाऊँ। मैं गुरु जी के पास 1992 पे फर्स्ट टाइम गई थी। उस टाइम मुझे इतनी समझ भी नहीं थी, मेरी फ्रेंड अनीता वर्मा मुझे ले गई थी, गई वहां बैठ के इधर उधर देख के आ गई। उस टाइम टेररिज्म था पंजाब में और मुझे रीनल कॉलिक की प्रॉब्लम थी, पथरी की प्रॉब्लम थी। गुरु जी चंडीगढ़ गए थे और मैं जलंधर में थी और रात को 1 बजे मुझे दर्द शुरू हो गए। इतनी तकलीफ थी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने कहा मैं तेरे को रात को लेके जाऊंगा तो हमें तो वैसे हम तो वैसे ही मर जाएंगे, किसी ना किसी की कहीं ना कहीं से गोली लगनी है, तो तू किसी तरह भगवान का नाम ले और सुबह तक इंतजार कर। इतनी तकलीफ थी, भगवान का नाम तो लेना दूर की बात थी। एनीवेज मैंने सुना था कि गुरुजी को अरदास करो तो गुरुजी सुन लेते हैं, बट देन आई थॉट कि गुरुजी तो चंडीगढ़ में है, उनको तो मैंने कभी बताया ही नहीं कि मुझे पथरी की प्रॉब्लम है। खैर इतनी तकलीफ में थी, मैंने कहा चलो लेट मी ट्राई एंड मैंने गुरुजी को अरदास किया। मेरे बेड के पीछे एक शेल्फ थी जिसपे मेरी बेटी का पेंडेंट पड़ा हुआ था। मेरी बेटी की आदत थी कि जिस मंदिर जाना उसके बाहर जो दुकानें होती थी ना वहां से पेंडेंट्स ले लेती थी। एक ही चेन में उसने शिव जी के, माता के, गुरु बाबा के पेंडेंट में परोए हुए थे तस्वीरें। तो जब मैंने ऐसे अरदास की तो वो पेंडेंट मेरे हाथ में गिर गया। एनीवे सन्नाटा था रात का, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये क्या, मैं क्या पता नहीं भानवी का पेंडेंट पड़ा हुआ है ऊपर, तो वो शायद मेरे हाथ में गिर गया। एनीवे उसके बाद आई मस्ट हैव फॉलन अस्लीप बिकॉज उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह जब उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी और मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मैं कहा नहीं, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अगर तकलीफ हुई तो मैं आपको बता दूँ। आई डिड नॉट कनेक्ट दिस विद गुरुजी एट ऑल बिकॉज मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी तो चंडीगढ़ में है, मैंने तो उनको बताया ही नहीं है। एज टाइम वेंट बाय और हम साथ गुरुजी के जुड़ते रहे, 10 साल निकल गए तो मुझे रसौली हुई थी एक लंप और डॉक्टर ने कहा था कि इसकी बायोप्सी करवाओ। उस टाइम गुरुजी दिल्ली में थे और हम जलंधर से गए। आई वाज टीचिंग सो मेरे को एक वीकेंड ही मिला था, छुट्टी एक दिन की छुट्टी मिली, मैं गई और उस दिन बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था और इतने लोग थे, तो मैं अपने मन में सोचूं कि मैं गुरुजी के पास पहुंचूं कैसे और उनको बताऊं कैसे, और मुझे तो वापस कल जाना ही है, नहीं तो मैं मंडे को स्कूल जा ही नहीं पाऊंगी अचानक। और फिर मैंने सोचा मैं कि गुरुजी प्लीज आप ही मुझे बुला लो ना, मैं कैसे आपके पास पहुंचूं। जस्ट देन सेवादार के मैंने सर कि यहाँ प्रीति आंटी है कोई, प्रीति आंटी जलंधर से। सर हाँ जी मैं हूँ, कहते गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं गई गुरुजी के पास और वो उन्होंने मुझे जहाँ लंगर पीछे की तरफ लिखा वहां ले गए। उस टाइम पूरी तरह कंस्ट्रक्शन हुई नहीं थी, अभी वो सारी जगह बन रही थी, तो वहां वो ठहरने लगे और मैं भी साथ साथ उनके। तो कहते हाँ कितना आना होया, तो फिर गुरुजी ऐसे मेरे को लंप है, तो डॉक्टर मलविंदर कौर ने कहा है कि मुझे बायोप्सी करवानी है, तो मैंने सोचा मैं आपसे आपके आशीर्वाद ले लूं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहते कदों वापस जाना है, मैं क्या परसों गुरुजी, कहते ठीक है कल आ जाए। ठीक है, कल शाम को जब मैं गई तो 10 बजे रात तक उन्होंने कुछ कहा नहीं, और 10 बजे जब वो लोगों को छुट्टी दे रहे थे तो 10 बजे रात को वो मुझे कहते हैं चल गड़वी लिया। ऐसे बट गुरु जी आपने तो गड़वी मंगवाई नहीं, कहते पर तू वापस जाना है कल स्कूल, वापस जाना है तो गड़वी लेके आ। अब 10 बजे रात को आई वेंट टू सुधा आंटी, सर सुधा मैं अब क्या करूं, मैंने 10 बजे रात को गड़वी कहाँ से मिलेगी। वीपी अंकल भी वहां थे, तो विपिन ने कहा कि मेहरौली इज द क्लोजेस्ट, अगर तेरे को मिलेगा इस वक्त, वैसे तो मुश्किल है पर तू जा, अगर गुरुजी ने कहा था ही मस्ट बी हैविंग समथिंग इन हिज माइंड, तू जा। उस टाइम जसिका लाल का मर्डर हुआ था उधर, तो वहां कर्फ्यू लगी हुई थी। कह रहे वे दोनों मेरे हस्बैंड और मैं, हम डरते डरते गए वहां, सन्नाटा अंधेरा, एक बंदा ना एक जानवर नजर आ रहा था वहां, सिर्फ एक अचानक रेड़ी वाला जा रहा था। तो मैंने रोकी गाड़ी और उसको कहा कि भैया यहाँ कोई दुकान खुली हुई, वो भी हमारी शक्ल देखे कि ये पागल हो गए हैं इस वक्त आए हैं जो गर्वी मतलब दुकान के बारे पूछने। सो देन आई सेड कि देखो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने मेरे से गड़वी मंगवाई है और उनका हुक्म मैंने मानना ही माना है, तो प्लीज आप मुझे बताइए मैं कहाँ से लाऊं। तो देन ही गिव मी डायरेक्शन कि इधर लेफ्ट जाओ राइट जाओ, वहां एक दुकानदार है जिसके घर में उसका गोडाउन है, तो अगर उसके पास हो तो हो, वैसे मुझे नहीं पता और कोई जगह।
रात को अंधेरे में गलियों में ना हमें पता ना कुछ कहाँ हम जा रहे हैं, जो हमने गुरु जी का नाम लेना शुरू किया, मेरे ख्याल इतना पाठ तो मैंने जिंदगी में नहीं किया होना, इतनी तो मैं कभी भी नहीं डरी हूँ। पहुंचे, खटकाया, खटखटाया दरवाजा, वो खोले ही ना दरवाजा, क्योंकि क्यों उस टाइम सब डरे हुए थे। इन्हीं भी मेरे हस्बैंड ने कहा तू आवाज मार, औरत की आवाज सुन के शायद वो खोल देंगे। ऐसे रोक के सो देन आए हेड के भाई साहब प्लीज आप खोल के, एनी वे द कॉल्डा सेन, मेरा रंग था एकदम डरी हुई, उन्होंने वैसे हमको कोल्ड ड्रिंक दिया और फिर हमसे पूछा, तो हमने कहा कि ऐसे हमारे गुरुजी ने ना गड़वी मंगवाई है। तो एनी वे गड़वी लेके हम वापस गए गुरुजी के, गुरुजी वाज वेटिंग, उन्होंने लंगर भी नहीं खाया था, उन्होंने कहा पहले अनानु लंगर खुआओ एंड देन आफ्टर दैट ही कॉल्ड मी इनटू द रूम, उन्होंने गड़वी ब्लेस की और कहा कि रात को इसमें पानी रखना, सुबह जितना पी सकते हो पियो, बाकी उसको बाल्टी में डाल के नहा लेना। एंड आई डिड दैट फॉर 10 डेज और वो लंप डिसअपीयर हो गया। इस चीज से मुझे एक चीज समझ आई कि जो डर मुझे, जिस चीज से मुझे बीतना था, वो डर से जो मुझे बीतना था, अगर मैंने बायोप्सी करवाई होती, वो उन्होंने मेरी रात को अंधेरी सड़कों में गलियों में भटकते भटकते वो डर मेरा कटवाया। आई मीन टू से कि जो हमने कर्म काटने हैं, गुरु जी वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट, कि वो तुम यही काट दो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर इस कर्म को, और वो हमेशा कहते थे मैं तुम्हारे साफ करके अगे लाके जाना है, मैं तुम्हारे साफ करके अगे लाके जाना है, क्योंकि अगर हम ये कर्म यहाँ नहीं काटेंगे तो ये, वो हमेशा एक एग्जाम्पल देते थे, जैसे कि एक छोटा सा बुश है, उसको आगे करो तो वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड देन फाइनली इट बिकम्स अ ट्री। सो ऑल्सो हमारे कर्म ऐसे होते हैं, अगर वी कैरी इट फॉरवर्ड तो वही कर्म इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर पेड़ को काटना कितना मुश्किल है एज कंपेयर टू बुश को काटना। सो इससे जाहिर था कि मुझे उन्होंने जो, जिस डर से या जिस खौफ से मैंने निकलना था, वो गलियों से निकाल के मुझे उन्होंने, देखो उनको क्योर करना उनके लिए बहुत मामूली सी बात थी, उन्होंने मेरा लंप ठीक करा, मेरे हस्बैंड को वाइट पैचेस थे मुंह में, डॉक्टर शर्मा वॉज के पास उन्होंने भेजा एम्स में, वो ट्रीटमेंट करवाई, वो ठीक करवाया। एक दिन उन्होंने मुझे खड़ा करके कहा कि चल सत्संग कर। सो मैंने ये अपने लंप की बात करके वापस जा रही थी, वो लंप बिल्कुल ठीक हो गया था, 10 दिन में वो लंप कहा, डॉक्टर भी बेचारी परेशान के, मैंने बेचारे कह रहे थे कि मैंने तेरे को कहा था पर मेरे को लंप ही नहीं मिल रहा। तो मैंने जो अपनी सत्संग करके जब मैं वापस गुरुजी के, मतलब वापस जा रही थी बैठने, तो उन्होंने कहा मुझे कि प्रीति आंटी अपनी पथरी के बारे भी थे, 10 साल निकल गए थे, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे को पथरी, और मैं वहां खड़ी सोचूं कि किस पथरी की बात कर रहे हैं ये, गुरु जी क्या पथरी की बात कर रहे हैं। पर इन दैट स्प्लिट सेकंड वो सारा मुझे सीन याद आ गया, जब मैं रात को तड़प रही थी और वो पेंडेंट मेरे हाथ में गिरा, मैंने आई रियलाइज कि बाप रे, उन्होंने 10 साल पहले, और मुझे इल्मी नहीं, मुझे बताया ही तक नहीं कि उन्होंने मेरे को ठीक किया है, और आज 10 साल के बाद वो मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे, मेरे पे मेहर की थी। मेरे से तो खैर बोला ही नहीं गया, मैं उसी वक्त उनके कदमों में जाके बैठ के और ज्यों धराधर आंसू, आई वॉज सो ग्रेटफुल टू हिम। क्योरिंग वॉज अ वेरी सिंपल थिंग फॉर हिम। एक मुझे, एक मेरी आदत थी कि मैं हमेशा सुनती थी लोगों से, मुझे फ्रेग्रेंस आया, आज मुझे शिव जी के दर्शन हुए, कोई कहे मुझे गुरु नानक जी के दर्शन हुए, तो मैं वहां हमेशा सोचती थी कि मेरे को तो कभी भी गुरु जी ने कोई दर्शन नहीं करवाए, काश मुझे भी कोई दर्शन हो। हम डलहौजी गए थे, मेरी ननद अंजी सोंधी, अंजलि सोंधी, मी एंड माई चिल्ड्रन एंड हर चिल्ड्रन, हम सब डलहौजी गए थे, और वहां से अचानक अंजी ने कहा चलो मनी महेश चलते हैं। नाउ मनी महेश इज अ प्लेस इन हिमाचल जहां से वी गेट टू सी कैलाश पर्वत फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर। सो हमारा जो वहां पे चौकीदार है उसने कहा कि आपको चलो मैं ले जाता हूँ, बट इस वक्त ऑफ सीजन है, वहां कोई प्रबंध या कोई सुविधा नहीं होगी, पर आप चलना चाहते तो चलो मैं आपके साथ चलूंगा, बट एक चीज का ध्यान रहे कि ऊपर जाके भी इतनी कठिन यात्रा करने के बावजूद जरूरी नहीं है कि कैलाश के दर्शन हो, बिकॉज कैलाश इज अ वेरी ट्रिकी पर्वत, वो हमेशा एक धुंध में कवर्ड रहते हैं। कहते मैं कितनी बार गया हूं, और एक बार तो मेरे साथ एक लड़का था जो 3 बार बीच रस्ते से ऊपर गया है और 3 बार बेचारा निराश होके आया है, तो
जस्ट टेक इट एज अ ट्रेक कि आप वहां तक गए हो. मनी महेश मणिकरण भी बहुत ही सुंदर सी जगह है. चलो ठीक है. अगले दिन हमने 6 बजे सुबह जान निकलना था. 3 बजे सुबह मुझे दर्शन हुए शिव जी के. आई ड्रीम्ड एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. एक बर्फीला पहाड़ है और शिव जी एज टॉल एज द पहाड़ पूरा विराट फॉर्म में. उनकी सिलुएट जैसे अगर 3 बजे भोर में आप किसी को देखो तो उनकी बाहर सिलुएट ही नजर आती है. और मैं देख रही हूं कि अरे ये तो लगते तो अपने मन में सपने में सोच रही थी ये तो शिव जी लग रहे हैं. और उनके पांव के कदम पे एक शिवलिंग थी जहां के पानी एक लेडी इन अ व्हाइट साड़ी वॉज चढ़ाइंग वॉटर. तो मैंने अपने मन में सोचा ओ दैट्स माँ पार्वती. एक बहुत पुराना और एक बहुत मशहूर कैलेंडर है जहां हमेशा ये शिव एक शिवलिंग के पे पार्वती माँ यू नो जल चढ़ा रही हैं फूल चढ़ा रही हैं और उसके आगे शिव जी खड़े हैं. एग्जैक्टली द सेम पिक्चर. एनीवे मैं 3:45 जब उठी हूं तो मेरे में ऐसी जैसे कि एनर्जी मुझे संभाला नहीं जा रहा था. मुझे संभाला नहीं जा रहा था वो दर्शन. पर मुझे लगे कि मैं किसी को उठा के बताऊं. फिर मैंने सोचा कि नहीं अगर इनको बताऊंगी तो ये मुझे मेरा विश्वास ही नहीं करेंगे. उसी वक्त अभी दर्शन हुए नहीं थे मेरे पापी मन मैं सोचूं कि ओके शिव जी अगर आपने सचमुच मुझे दर्शन दिए हैं तो आप मुझे कैलाश जी के दर्शन करवाओगे फिर ही मैं मानूंगी कि आपने मुझे दर्शन दिए हैं. गॉट अप वी वेंट. इतनी कठिन उस टाइम क्योंकि कोई मतलब रास्ता खुला नहीं था. हम ऑफ सीजन गए थे एंड इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ के गए और साक्षात हमें कैलाश जी के दर्शन हुए. इट वॉज द मोस्ट डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. और मन में यही आ रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह और जो हम भगवान को याद करते हैं भगवान क्यों नीचे इतने पापों के बीच में आए. इतनी खूबसूरती मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी. इट वॉज लाइक बींग इन स्वर्ग. एक अनोखा एहसास. एक अब नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट. एनी वे वापस आए मैं इतनी वैराग में थी मुझे किसी चीज में मुझे लगे कि कोई मेरे से बात ही ना करे मुझसे कोई बात ना करे. मैं जलंधर वापस आई मेरे हस्बैंड मुझसे बात करे. मैं बस एक ही रथ मेरा मन ही नहीं लग रहा मुझे वापस जाना है. कहे कहाँ जाना है मैंने वापस जाना है मुझे मेरा दिल ही नहीं लग रहा किसी चीज में. आई बिकेम जैसे कि ना एक बावला सा इंसान हो जाता है शुद्ध बुद्ध सब वाचा हुआ एकदम. एनी वेज माई हस्बैंड गॉट सो वरिड. ही सेड He thought कि चलो इसको दिल्ली ले जाते हैं गुरुजी के पास. He took me to Delhi and हम थोड़ा जल्दी चले गए थे. So उन्होंने मुझे कमरे पे बुलाया और जैसे मैं अंदर गई तो उस टाइम किशोरी जो उनके वो थे नाई थे वो वहां थे. तो किशोरी ने अपना वो कर करके वो चले गए. तो शिव जी गुरुजी ने कहा कि हाँ प्रीति आंटी की गल है. सो अच्छा गुरुजी मुझे ना शिव जी की के दर्शन हुए. तो वो मेरे की तरफ देख के कहते हैं हाँ मुझे पता है तभी तो तेरे को कैलाश के दर्शन हुए हैं. एंड आई सेड माय गॉड ही मतलब ही न्यू ऑल ऑफ दैट. एंड द मिनट एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड ही लुक्ड इनटू माय आई. और उन्होंने क्या किया पता नहीं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे थ्रू गई है. उसके बाद जैसे कि मेरा दिमाग ठंडा हुआ एंड आई केम बैक टू अर्थ. द रीजन आई एम शेयरिंग दिस सत्संग इज नॉट बिकॉज आई एम एनीथिंग ग्रेट या मैंने कुछ बहुत I'm the back bencher of this whole sangat. Zero. But इसलिए मैं ये बता रही हूं कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरु जी को पता है हमारा what is our level of spirituality और हम क्या चीज झेल सकते हैं. क्या are we clean enough या are we spiritually evolved enough to take a darshan. वो दिन गया ये दिन गया ऐसे बोलती बंद हुई. मैंने नहीं कभी जिंदगी में गुरु जी को कहा कि गुरु जी मेरे को ऐसे करवा दो या वैसे करवा दो. क्योंकि जब खुद में झांको और देखो कि अपनी में काबिलियत है उस चीज को लेने की उस दर्शन को पाने की. तो मेरी प्यारी संगत गुरु जी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए. हम उनको देने लायक है ही हमारे पास है ही क्या उनको देने की. वो तो वहां बैठे हैं हमें देने के लिए. ही इज सिटिंग देयर टू गिव अस नॉट टू टेक फ्रॉम अस. ऑल ही वॉन्ट्स अस टू डू इज टू कंप्लीटली सरेंडर टू हिम.
अपने आप को उनमें उनको अर्पण कर दो अपने आप को, बिकॉज वो अनकंडीशनल, उनका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। सो वो चाहते हैं, वो बस एक प्यार के भूखे हैं, उनको हमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो हमसे प्यार ही मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी का कुछ गलत कहा है। गुरुजी की सत्संग करना ही एक बहुत बड़ी बात है। इट्स उनकी आशीर्वाद है या उनकी मेहर है, तभी इंसान सत्संग कर सकता है। नहीं तो हम तो इतने तुच्छ इंसान हैं कि हम उनकी उनके बारे हम क्या भी बात कर सकते। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू आप सबका जो आपने पेशेंटली मेरी सत्संग सुनी है। थैंक यू।